असुर को बात किया था और दैत्य को बात किया। वे अपने कथन में उन लोगों को जो तर्क का पूरी तरह खंडन करते हैं, कैसे न भगवान पर पक्षपात करने का दोष आरोपण किया है। श्री सुखदेव गोस्वामी सिद्धांत देते हैं क्या, क्योंकि बौद्ध जीव प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत्व रज तम तीन गुण, ये तीन गुण के द्वारा एक कलुषित है। तो ये तीन गुण से कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो भगवान गीता में इसलिए अर्जुन को कह रहे थे ये त्रैगुण विषय वेदान निस्त्रैगुण भवर्जुन, हे अर्जुन ये प्रकृति जो तीन गुण हैं सत्व रज तम गुण, ये तीन गुण से तुमको और ऊपर उठना अर्थात निर्गुण स्तर पर उठना चाहिए। तो तुम्हें ये द्वंद्व मोह भाव से तुम को ये तुम्हारा जिस तरह जो ये है भाव है द्वंद्व मोह भाव, ये मेरा गुरु है, ये मेरा भाई है, इस प्रकार जो द्वंद्व भाव, ये तुम्हारे द्वंद्व भाव से उठा जाएंगे। लेकिन ये शत्रु मित्र भाव, ये द्वंद्व भाव पूर्ण प्रश्न भगवान के इस प्रकार भाव नहीं है, क्योंकि भगवान ये त्रिगुण अतीत है। भगवान जो माया सृष्टि की है, माया के उन्होंने भगवद्गीता में कहा गया दैवेश गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जे प्रकृति जे माया ये मेरे के द्वारा फैली हुई है, क्योंकि मैं मायाधीश हूँ। अब माया भगवान के ये है, भगवान के मायाधीश, इसके द्वारा माया को भी इस प्रकार भगवान को कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रकृति भौतिक जगत में सभी व्यक्ति को माया के ऊपर उनके ऊपर माया का प्रभाव विस्तार करता है। आज ये शाश्वत काल, ये जो काल, ये भी प्रकृति के द्वारा सृष्ट है, गुण से चलता है, लेकिन वो भी काल भी भगवान का सृष्टि है। जो काल कभी भगवान के ऊपर विस्तार नहीं कर सकता, भगवान जी माया प्रभाव से परे रहते हैं और सृष्टि तथा प्रलय का कार्य करते हैं। इस तरह परमेश्वर भगवान द्वारा जो मारे गया जो दैत्य, उनको मुक्ति मिल जाता है। ये भगवान का विशेष कृपा है, क्योंकि साधारण व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिलती है। ये भगवान के द्वारा, भगवान के हाथ से जेहेतु उनको मृत्यु हुआ, इसलिए उनको मुक्ति मिलता है। इसलिए भगवान समदर्शी है, किसी को फुकवाती तो नहीं करते हैं। इस प्रकार परीक्षित महाराज दूसरी प्रश्न से पूछा ये शिशुपाल के विषय में और दंतभु के विषय में, बचपन से उन्हें भगवान के प्रति उनका विद्वेष भाव था, शत्रु भावना, लेकिन कैसे उनको मुक्ति मिला। तो इस प्रकार जो निंदा कर सत्य भी उनको कैसे मुक्ति मिल गया, तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया है जे भक्त चरण में अपराध करने से वैकुंठ के जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा सांप प्राप्त हुआ, अरे सांप से उनको ये जर्जरत में गिरे हुए हैं। तो ये जगत से
যে জয় বিজয় সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যকশিপু রূপ সে আহে, ত্রেতা যুগ মে রাবণ কুম্ভকর্ণ মে আহে, আর দ্বাপর যুগ মে শিশুপাল দন্তবক্র রূপ মে আহে। এস প্রসঙ্গে শিল নারদ মুনি পাণ্ডবগণ কো জো বতাহে হ্যাঁ, নারদ মুনি কহা হে পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ, তোমারে মহর্ষি কে দোনো পুত্র যে শিশুপাল আর দন্তবক্র পেলে ভগবান বিষ্ণু কা পার্শ্বদ থে, লেকিন ব্রাহ্মণ কে সাপ সে বৈকুণ্ঠ লোক সে ইস ভৌতিক জগৎ মে গির হে। তো এ শিশুপাল আর দন্তবক্র যবি জয় বিজয় পেলে থে, এক সময় শনক সনাতন চতুষ্কুমার ই বৈকুণ্ঠ মে জানে কে লিয়ে কোশিশ করে থে, লেকিন যদি চতুষ্কুমার না গে থে তো দেখা জয় বিজয়ন কে বতায়া হ্যাঁ তুমি জানে কা কোই অধিকার নেই হ্যাঁ। তো এস প্রকার উনকো ভাব দেখা আর দেখে উনকো সাপ দিয়া থা, কিউকি জয় বিজয় কা হৃদয় মে এসা যে আশ্রিক সম্পন্ন ভাব থা, এ দেখা দেখে উনকে হৃদয় মে সোচা যে ইনকো বৈকুণ্ঠ লোক মে রহনে কে কোই অধিকার নেই, ইসলিয়ে উনকো সাপ দিয়া থা। তো ইয়ে ভক্ত আর বৈষ্ণব কবি ভি কিছু সাপ যে দেতে হয় তো ইয়ে আশীর্বাদ রূপ সে কাম করতে হয়, ইসলিয়ে জয় আর বিজয় সত্যযুগ মে হিরণ্যকশ হিরণ্যকশিপ রূপ মে হয়ে হ্যাঁ। তো ভগবান ইয়ে যদি সাপ দিয়ে থে তো ভগবান উসি সময় দ্বার মে আয় হ্যাঁ, আর ভগবানকে দর্শন করকে জয় বিজয় উনকে চরণ পর গির পড়া আর বতায় হে প্রভু মে আপকো ছোড়কে কই ভি নেই যা সকতা। তো ভগবান নে উনকে কহা দেখো মেরা ইচ্ছা অনুসারে ইয়ে হয়ে হ্যাঁ, কিউকি মেরা ইচ্ছা হ্যাঁ যে মে তোমারা সাথ বীর আস্বাদন করুঙ্গা, ইসলিয়ে মে ইস প্রকার ইচ্ছা কিয়া যে তোমাকে ইয়ে শত্রু পায়া। তো ইসলিয়ে বাদে দেখো এক তুমি যদি ইয়াসে যাও চার জন্মে তুমি মেরে পাশে আস সকতা, আর যদি চার জন্ম নেই চাতা তো তুমি আর সত্য জন্ম লাগেগা। তো পেলে জন্ম ছে তুমি ইস প্রকার শত্রু মে রূপ সে সব জন্ম হুয়া জেসা হিরণ্যকশ হিরণ্যকশিপু যে ভগবান হিরণ্যকশ এক সময় এ পৃথিবী কো সমুদ্র গর্ভধব সমুদ্র মে ফেঁকা থা, আর গর্ভদেব সমুদ্র সে উত্তোলন করতে গিয়ে ভগবান শুক রূপ অর্থাৎ বরহ রূপ মে ধারণ কিয়ে। তো বরহ রূপ ধারণ করে সে ভগবান কে সাথ হিরণ্যকশ বহুত যুদ্ধ হওয়া থা, আর হিরণ্যকশ ইসমে বধ হওয়া থা। তো হিরণ্যকশিপু বহুত ক্রোধিত হওয়া থা বিষ্ণু মেরা ভাইকে হত্যা কে, ইসলিয়ে হিরণ্যকশিপু ইতনা বিষ্ণু বিদ্বেষী হয়ে গিয়েছে যে উনকো পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজ, তো প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান বিষ্ণু কে ইতনা আচ্ছা ভক্ত থে তো উনকো প্রতি ইতনা বিদ্বেষ ভাব আনতে যে প্রহ্লাদ উনকো খুদ পুত্র উনকো খুদ পুত্র পুত্র হয়ে ভি
उन्होंने उनको मारने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन जेहेतु भगवान विष्णु का भक्त है तो भगवान गीता में कहा गया कि नो में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों के कभी विनाश नहीं होते हैं। चाहे भगवान प्रहलाद महाराज को बहुत प्रकार मारने की कोशिश करा, सत्य उनको रक्षा किए थे। और जैसे जन्म में जो त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण ये भी भगवान ने हाथ में ऐसा मृत्यु हुआ था, तो रावण कुंभकर्ण इतना बड़ा असुर थे जो सबको पराजित करके स्वर्ग राज्य में उन्होंने अधिकार किया था। और तृतीय जन्म में शिशुपाल दंतवक्र में हुआ था, अर्थात द्वापर युगे। तो शिशुपाल इस जो वर्णन हो रहा है ये श्लोक में, शिशुपाल और दंतवक्र के बारे में चर्चा हो रहा है। तो शिशुपाल जो भी जन्म हुआ था ये भगवान कृष्ण का अर्थात पांडव का चचेरा भाई है और मौसी का पुत्र है। तो शिशुपाल जो भी जन्म हुआ था तो उसमें उनको चार हाथ थे और तीन आँख थे। तो जो एस्ट्रोलॉजर उनको बताया था जे इनको दर्शन करके जिसका द्वारा दर्शन होगा और इसको हाथ में चला जाएगा व आँख चला जाएगा, उनके हाथ के द्वारा इनको मृत्यु होगा। तो इस प्रकार शिशुपाल बचपन से सब लोग देख बताए इनको मार दो क्योंकि ये बहुत बड़ा शत्रु है, लेकिन कोई चाहते ही नहीं, किसी को पापा मम्मी नहीं चाहते हैं जो इनको पुत्र को मार दें। लेकिन भगवान जो भी एक बार उनको मौसी के घर पे आए हैं तो उनको देखे व उनको बच्चे को दर्शन करके उनको आँख और उनको हाथ क्या पैर हो गया था, गायब हो गया था। तो उन्होंने मौसी सोचा कृष्ण के हाथ से इनका मृत्यु होगा। तो कृष्ण को उनको मौसी कहा देखो तुमको सब तो पता है ये तुम्हारा हाथ से इसका मृत्यु होगा तो मैं कैसे सहन करूँगा। तो उन्होंने बताया, भगवान कृष्ण ने बताया मैं उनको जो स्वा जो अपराध में खंड स्वर अपराध से मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगा, जो स्व अपराध से यदि ज्यादा करेगा तो उनको मैं बात करूंगा। तो इस प्रकार यानी कि जो भी युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो शिशुपाल और भगवान कृष्ण का बहुत प्रकार युद्ध होता था। इस प्रकार शिशुपाल इतना विद्वेषी थे, हर समय कृष्ण को चिंतन करता लेकिन विद्वेष भाव होने से कल प्रेमतु कह रहे थे जो पांच प्रकार भगवान का धाम मिल सकते थे, ऐसे ऐसे जिस प्रकार भक्ति भाव से भय भाव से और द्वेष भाव से, इस प्रकार इसका पहले श्लोक में बताया गया है। भयाद देशत कामत देश भयाद स्नेहात भक्तिशर मना, इस प्रकार जो स्नेह भक्ति और काम देश इस प्रकार भाव से हम भगवान के पास जा सकते हैं। ये शिशुपाल ये देश के द्वारा भगवान के पास गए थे और इसी प्रकार भक्ति भाव से
बहुत है जो भगवान के पास गए थे देशभाव से जैसे, और काम भाव से जैसे गोपियाँ, और भय से कंस, स्नेह से यशोदा मैया, नंदा महाराज, इस प्रकार ये भगवान के पास गए थे। तो जो चतुर्थ तीसरा गया, चौथा भगवान का पार्षद थे महाप्रभु के पार्षद अर्थात जगाय मधाई। तो जो जगाय मधाई इतना बड़ा पापी थे, ये सभी भक्त लोग उनसे डर से नदिया में इधर उधर करते थे। कभी देखता है जो जो अभी एक बार महाप्रभु निर्देश से हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु वाले थे, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो सुनो सुनो नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के महाप्रभु कह रहे हैं हर घर में जाओ, जाके ये कृष्ण का शिक्षा प्रदान करो, करो कृष्ण शिक्षा। तो इस प्रकार जो भी हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु गए थे, तो उस समय जगह माधा इतना दारू पिए थे, दारू पी के उनको पूरा पीछे क्या उसके पीछे भागे थे, उनके पीछे जा रहे थे। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जाके महाप्रभु बताया जे दो ब्राह्मण बालक इतना दारू पिए थे, इतना हमारे ऊपर क्रोधित हुए हैं, हमको भाग रहे भगाया। तो सुने महाप्रभु बहुत कुपित हुआ और उनको सुदर्शन को बुलाया थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है, जय श्री श्री राधा मदन मोहन श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव श्री बलराम रानी की जय, पतित पावन श्री श्री गौणिताय की जय, निश्चिंद प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। नित्यानंद प्रभु इतना कृपालु है जो ये जगह मधे के उद्धार करने के लिए उन्होंने महाप्रभु को चरण पकड़े, बोले प्रभु आप तो ये अभी आए हैं कलयुग में भक्त लोग को प्रेम देने के लिए, आप क्यों अस्त्र धारण करेंगे, आप तो अस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से बोलने से उन्हें कृत संवरण की है। तो एक दिन हो गया, दूसरे दिन गया, फिर जाके रोड पर चलते चलते हरिनाम कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु में हरिदास ठाकुर। तो उसमें जगह माध्य दारू पी के वो रोड पर सो रहे थे, और इनको ये हरिनाम सुन के जगह माध्य उठ के माधा उठे नित्यानंद प्रभु सर पर दारू पीते हैं जो मटका मटका से माता फूट गया और उनसे खून निकले। तुरंत हरिदास ठाकुर महाप्रभु के पास आए और उनको बताया महाप्रभु इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को मार दिया। तो महाप्रभु तुरंत वहाँ पे आके सुदर्शन को बुलाया मारने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु फिर भी बोले मेरा जितना शरीर पुण्य है मैं माधव के देता हूँ। तो नित्यानंदपुर एक कृपा देखे महाप्रभु माधव की कृपा किया, उनको आलिंगन किया, उनको कृष्ण प्रेम दिया और जगाई पहले से महाप्रभु को आते ही उनको चरण पकड़ लिया, उनको क्षमा मांगे तो महाप्रभु उनको भी कृपा किया। तो ये दोनों को जो कृपा है महाप्रभु इतना कृपालु है जो इनके कृपा करने से महाप्रभु आलिंगन करने से महाप्रभु पूरा शरीर पूरा काला हो गया। तो
भक्त लोग बता दे क्या हुआ महाप्रभु, ये क्या हुआ। तो महाप्रभु तुरंत बताया, देखो मेरा शरीर पाप से पूरा काला हो गया, लेकिन तुम लोग सही ढंग से अच्छे ढंग से यदि हरिनाम करो तो मेरा पाप निकल जाएगा। तो महाप्रभु जो ये काला देखे सब भक्त लोग हरिनाम करने लगा, तो धीरे धीरे महाप्रभु का जो काला रंग फेरा और गौर बंद हो गया। तो ये जो भगवान का जो विशेष कृपा है, महाप्रभु जो जगह माता का विशेष कृपा किए थे, तो महाप्रभु कलिजुग में आए हैं भक्त लोग की कृपा करने के लिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कलौ दशिनी भी राजन अस्थि एक महान गुण कृत्य नादव कृष्ण सम्मुक्त संगम परम ब्रजेत कित जैत विष्णु तेतय दापर मुख दापर परिचय कलौ तद हरि कीर्तन। तो कलियुगे यद्यपि दोष का समुद्र है तथापि एक महान गुण है, क्या कीर्तनादव कृष्ण से शुद्ध मतलब कृष्ण कीर्तन करने से मुक्ति लाभ होता है। कीर्तनादव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रज मुक्ति लाभ करके ब्रज परम ब्रज धाम लाभ करता है। कृत जैत विष्णु तक सत्य युगे ध्यान के द्वारा भगवान के लाभ करता था। कृत जैत विष्णु जजत मुख तेता युगे यज्ञ के द्वारा भगवान के प्राप्त होता था। दापर परिचय जाएंगे तो दापर युगे पूजा अर्चन के द्वारा भगवान के प्राप्त होता था। कलो तो अधिक कली युग में शुद्ध हरिराम कीर्तन के द्वारा भगवान के प्राप्त होता था। ये जो चार युगे सत्य दापर तेता युग में जो जितना सारी ध्यान तपस्या यज्ञ करके जितना सारी फल होता था, ओनली ये कली युग में शुद्ध मात्र हरिराम के द्वारा एक ही फल मिलता है। तो चैतन्य तो बताया गया जाए हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरंता। अर्थात ये कलिजुगे हरिनाम से अन्य कोनो गति नहीं है, हरिनाम से अन्य कोनो गति नहीं है, तीन बार बताया गया है। इसलिए हम हर समय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो मैं इतने विराम देता हूँ, कोई किसी का प्रश्न मंतव्य रहता है जय गंधर्व श्रीमद् भागवतम की जगद गुरुशील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्तवृंद की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। शील प्रभुपाद की।